अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ मोटरसाइकिल चलाते चलाते, एक हाथ से रेस दे रहा हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है आप लोगों की खातिर, क्योंकि भाई हम यहाँ पे वीडियोस वगैरह आप लोगों की खातिर बनाते हैं ताकि आप लोग इंटरटेन हो सकें और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खैर मेन टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपको कॉलेज का ही व्यू सबसे पहले कराऊँगा अपने वीडियो व्लॉग में, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह कभी आपको दिखाया नहीं है। ये मैं ज़रा कॉलेज के कपड़े पहन के इस तरह का लगता हूँ, हालांकि पहले मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, अब ज़रा ऊपर से दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, वाइट शर्ट, ये पिंक रंग की टाई, पिंक नहीं लाल है, पता नहीं क्या रंग, नज़र नहीं आ रहा सही आप लोग, आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है ज़रा कमेंट्स करके बताना। तो ये हेलमेट पहना हुआ है और हाँ ऐनक लगा के मैं इस तरह का रखता हूँ आपको, और मोटरसाइकिल देख के लग रहा है कि शायद मैंने ज़रा अपनी मोटरसाइकिल लगाया पार्किंग एरिया में। खैर मैंने ज़रा अपनी मोटरसाइकिल यहीं पे कर दिया पार्क और चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ। ये मेरे कॉलेज का ज़रा बालकनी का रिव्यू है, तो ये ज़रा चेक कर लें, छोटा सा हमारा ग्राउंड है, इतना बड़ा भी नहीं है, और ये एक तरफ की ऊँच मंजिल और दूसरी तरफ की मंजिल। बस ये है हमारे कॉलेज का रिव्यू, और ये पीछे मेरी सीढ़ियाँ जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ बैल्कनी में, और सेकंड फ्लोर पे मेरी क्लास है। अब ज़रा आपको क्लास का विजिट कराते हैं। ये मेरा दोस्त बैठा है जो तो लेक्चर ले रहा है, मैं भी बैठा लेक्चर भी ले रहा हूँ, मैं कड़ा कोई और काम करने आया हूँ। तो ये हमारे सर हैं जो कि हमें पढ़ा रहे हैं। मैं वैसे आपको हमारा लेक्चर का रिव्यू नहीं कराऊँगा, मैं बस छोटा छोटा ऐसे दिखाऊँगा कि हमारे तो लेक्चर में क्लास किस तरह की होती है, नॉर्मल कैसी होती है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। ठीक है, ये मेरा दोस्त छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहा है। वैसे ये मैं आपको लास्ट ही अपना लेक्चर दिखा रहा हूँ, ये हमारे सर के लेटर के पढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह करा रहे हैं, समय से बाहर है। खैर जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैं आपको छुट्टी का इंतज़ार करते दिखा रहा हूँ। छुट्टी के टाइम इस तरह का माहौल होता है, बाहर धूप फुल चढ़ी हुई है, हमारे 12 बजे का टाइम है क्योंकि इस टाइम हमारी छुट्टी होती है। तो ये हम चलते हैं बाहर की तरफ। खैर बाहर आके मैं ज़रा सीढ़ियों से चलते हैं नीचे है। तो ये मोटरसाइकिल, ये हम पार्किंग एरिया में आ गए हैं, और ये रश आप चेक कर सकते हैं, लड़कों का रश बड़ा है। ये मेरी मोटरसाइकिल है, बाहर आके मैंने सबसे आपको दिखाया कि भाई बाहर से हमारा कॉलेज इस तरह का लगता है। चलो चलते हैं आप अपने घर की तरफ। घर जाने से पहले मुझे याद आया कि भाई मोटरसाइकिल का आज ज़रा मैंने छोटा मोटा काम भी कराना है, क्योंकि मोटरसाइकिल में मेरे ज़रा जो इशारे हैं एक तरफ चल रहे हैं, मतलब कि अगले तरफ चल रहे हैं, बैक साइड पे एक इशारा चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या इसको कुछ दिन पहले ख़राब हुआ। ऐसा अगर इशारा ना चले ना तो बड़ी तंगी होती है मोटरसाइकिल चलाते हुए, फिर मोटरसाइकिल मोड़ने में बड़ी तंगी होती है। तो मैं आज मोटरसाइकिल का काम शाम कराएंगे, ये मेरा ज़रा ब्रेक पॉइंट भी ख़राब है तो वो भी ठीक कराएंगे। चलो चलते हैं और कराते हैं अपनी मोटरसाइकिल को ठीक। ये ज़रा मैं थोड़ा अपना रिव्यू करा रहा हूँ। तो फिर हम आ गए अपने ड्राइव की तरफ। चलो हम ड्राइव करके जाते हैं मैकेनिक के पास। तो खैर ड्राइव करते करते मैं आपको ज़रा सीन थोड़ा बहुत दिखा के हम ज़रा थोड़ी देर तक पहुँचे मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने भी अपनी ज़रा हमारे इशारे ज़्यादा चला के चेक किए कि भाई इशारे तो चल रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि भाई अगले इशारे चल रहे हैं और पिछले ना चल रहे, ये शायद वायरिंग का भी मसला हो सकता है। तब तक जब तक मैकेनिक देख रहे हैं हमारी मोटरसाइकिल, तो हमने ज़रा थोड़ा सा दुकान का रिव्यू उनका करा दिया ताकि लोग मेरी वीडियो देख के उनकी दुकान को भी शायद विज़िट कर सकें। दुकान उनकी ये है जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। भाई ने ज़रा वायरिंग वगैरह चेक किया, तो उन्होंने कहा भाई वायरिंग में या कोई मसला नहीं है, ये लगता है कोई या तो इशारे में ही मसला लग रहा है। तो खैर उन्होंने ज़रा दुकान से मुझे इशारा निकालेगा और मुझे ज़रा क्या है कि भाई ये इशारा ज़रा चेंज कराओ। तो ये आपको ज़रा थोड़ा सा फिर दुकान का रिव्यू कराया। खैर उन्होंने ये मेरा नया इशारा दिखाया और ये मेरा पुराना जो मेरे हाथ में बाइक में इन्होंने नया इशारा कर दिया इंस्टॉल, न्यू लश पश लग रहा है, क्या बात है, नई चीज़ें ऐसी होती हैं। खैर ये मेरा पुराना इशारा टेप लगी हुई है। तो ये इन्होंने मेरा ब्रेक पॉइंट भी सही करने के लिए इन्होंने तार डाल दी, क्योंकि मैंने इनको कहा था भाई ब्रेक पॉइंट भी सही करना मेरा। खैर अब मोटरसाइकिल के काम हो गए थे, अब ज़रा चलते हैं घर की तरफ। घर पे भी जाने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा बाइक का रिव्यू दिखा दिया, एक हाथ से रेस दे रहा हूँ और एक हाथ से बाइक को चला रहा हूँ। ये सब काम आप लोग के लिए होते हैं भाई, व्लॉग आपको बना के दिखाना भी ज़रूरी है, क्या करें।
तो गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए नए ब्लॉग चल रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह इससे भी तगड़े ब्लॉग मैं लाया करूँगा आप लोग के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे, कॉलेज मेरा पसंद है तो कॉलेज को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।